Choke it out. Choke it out. Choke it out. Choke it out. You bring it. राहुल गांधी ने मोहम्मद सदीक दे हक च कीती चोन रैली। चौकीदार दे हुंदे देश दा पैसा लेके निकले कई पूंजीपति। ए सब कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह ते राहुल गांधी दा। फरीदकोट दे कस्बे बरगाड़ी विच कांग्रेस दे उम्मीदवार मोहम्मद सदीक दे हक च एक चोन रैली दा प्रबंध कीता गया, जिस विच इंडियन नेशनल कांग्रेस दे प्रधान राहुल गांधी दे इलावा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, आशा कुमारी कैबिनेट मंत्री राणा सोधी अते सारे विधायकां दे इलावा सीनियर कांग्रेसी लीडरशिप अते लक्खां दी गिनती विच कांग्रेसी समर्थक पहुंचे। लोकां नूं संबोधन करदे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली सरकार नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी मामले विच घेरदिआं बादल सरकार नूं इसदा जिम्मेदार दस्सिआ। उन्हां ने बरगाड़ी विच बेअदबी मामले विच मरण वालिआं दी याद विच यादगार बनाउण दी गल वी कही। ਉੱਥੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਨੇਤਾ ਭਾਈਓ ਔਰ ਬਹਿਨੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਯਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ ਆਏ, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक टेस्ट चलता है आजकल, मूड को टेस्ट करता हूं शुरुआत में ही। इजाजत है? हैगी? चौकीदार 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 मूड ठीक है। 10 साल मनमोहन सिंह जी ने देश को बढ़ाने का काम किया, देश को चलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाते थे, आपको याद होगा, मजाक उड़ाते थे। मगर 5 साल बाद नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह जी का मजाक नहीं उड़ा। आज हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहा है। कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री रोजगार देगा। कहा 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। आ गए आपके यहां 15 लाख रुपए, मिल गया? किसी को मिला यहां पे 15 लाख? कोई कह सकता है कि हां नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 15 लाख दिया? हिंदुस्तान में एक व्यक्ति नहीं कह सकता, किसान मजदूर ये लोग नहीं कह सकते। अनिल अंबानी कह सकता है, अनिल अंबानी कह सकता है कि मेरे बैंक अकाउंट में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए डाले, हिंदुस्तान के एयरफोर्स का पैसा डाला। अनिल अंबानी कह सकता है कि हां 45,000 करोड़ रुपए कर्जा बैंक से मैंने लिया, वापस नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने चौकीदारी की। नीरव मोदी कह सकता है, मेहुल चौकसी कह सकता है, विजय माल्या ललित मोदी कह सकते हैं, मगर हिंदुस्तान का किसान, पंजाब का किसान, पंजाब का युवा, माताएं बहने, छोटे दुकानदार ये नहीं कह सकते 5,55,000 करोड़ रुपए चौकीदार ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया। हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, इसके बारे में लिखते नहीं, छोटा छोटा लिखते हैं, टीवी पे यह नहीं आता, मगर ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी के मंत्री ने पार्लियामेंट में बोला कि हां हमने 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, ये हमारी माताएं बहने आई हैं, आप लाइन में खड़ी थी ना, आप खड़ी थी ना लाइन में जब नोटबंदी हुई, खड़ी थी, याद है आपको? ठीक है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ लाइन में। इनके घर से जो इन्होंने पैसा बचा के रखा था नरेंद्र मोदी ने छीन लिया, किसानों के जेब में से पैसा निकाला, छीना, बेरोजगार युवाओं को भी नहीं छोड़ा, उनको भी कहा भाई तुम्हारे जेब में जो पैसा निकाल कर डालो। पूरे हिंदुस्तान की जनता ने पैसा निकाल के दिया। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स, हर महीने सबको फॉर्म भरने पड़ते हैं, दुकानदारों से पूछो कहेंगे नुकसान हो गया। तो राहुल जी, इन्होंने समझाया मुझे, राहुल जी
जैसे ही नोटबंदी हुई, जैसे ही गब्बर सिंह टैक्स लागू हुआ, हिंदुस्तान की जनता के जेब में से पैसा निकला, लोगों ने माल खरीदना बंद किया। जो पहले कुर्ता शर्ट पैंट जूता साड़ी टूथपेस्ट टूथब्रश मोबाइल फोन जो पहले बिक रहा था, लोग खरीद रहे थे, सबका सब बंद हो गया। जैसे ही माल खरीदना बंद हुआ, दुकानों में माल बिकना बंद हुआ, किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए बता देंगे, जैसे ही माल बिकना बंद हुआ, फैक्ट्रियों के मालिकों ने एक एक करके बुलाया युवाओं को, कहा इधर आओ बेटा इधर आओ, अब हम तुम्हें काम नहीं दे सकते, अब तो हमें फैक्ट्री बंद करनी है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ठप कर दी, वहां कुछ बिक नहीं रहा, दुकानों में कुछ बिक नहीं रहा, लोग खरीद नहीं रहे, हम बनाए क्यों, चलो वापस जाओ यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और एक के बाद एक हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हुई। तो बैंक अकाउंट पे पैसा डालने का, वो मैं काम पूरा करके दे दूंगा। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं पैसा कहां से आएगा। जब भी हम कर्जा माफी की बात करते हैं, यहां पंजाब में अमरिंदर सिंह जी ने किया, मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ कर्नाटक में जहां भी हमारी सरकार बनी, हमने कहा हमारा पहला काम किसानों का कर्जा माफ करने का है। नरेंद्र मोदी कहते हैं पैसा कहां से आए। नरेंद्र मोदी जी मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले पैसा अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट से निकाल के दिलवाया जाएगा, सबसे पहले, क्योंकि लोग बैठे कीर्तन कर रहे थे कि साढ़े गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है, तुम घोड़ी चला दे, उन्होंने एक तरीका है, थोड़ा पता है कितनी बेअदबी हुई उन्होंने अकालिया के समय 58 गुरु ग्रंथ साहब 47 गुटका साहब 23 भगवत गीता 5 कुरान शरीफ और 1 बाइबल सारे धर्मों को जोड़ता। क्यों जोड़ता? क्योंकि चोड़ा आ रहा सियां और ये सोचते से कि चोड़ा दे विच अगर एक गोली चल पे तो सिख इकट्ठे हो जाएंगे और साड़ी सपोर्ट कर देंगे। एक सिख नहीं गया और उन्होंने माजा फेरिया, उन्होंने पता है किस तरीके ना, क्योंकि पंजाब जानता है, पंजाब बड़ी औखी घड़ी दे विचों लंघिया है, 22 साल 35,000 पंजाबियों का खून डुलिया, इतने कोई नहीं आई गड़बड़ फिर चाहता पंजाब दे विच होवे। और सारे नूं पता सी कि एक कैसे हो रहा और कौन करा रहा क्यों करा रहे ने। जिहड़ा मंतार बराड़ सी थोड़ा है मैंने सी उधर ना कोट कपूरे का, एक रात में 125 कॉलां उन्हें कीतियां SHO तो लैके मुख्यमंत्री तक, और कहने मुख्यमंत्री मैंने पता ही नहीं क्या किस्म की इतने बगौल बना रखी है, इतने शर्म होनी चाहिए इस प्रकाश सिंह बादल हूं कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट द टीवी NRI।